ज्योतिषानुरागिणाम छात्राणाम च सुस्वागतम अत्र वर्तते ज्योतिष गणित पाठ्यक्रमे स्मिन इदानीं भवतां समक्षं दशमं पत्रं तावत् प्रचलति पत्रेस्मिन् अरवाचीन ज्योतिर्विज्ञानं तावत् वर्तते तत्र द्वात्रिंशः यः पाठः वर्तते स वर्तते विश्वोत्पत्ति अर्थात् यत् इदं विश्वम् अस्माभिः परिदृश्यते तस्य संरचना कथं जाता

प्रयोजनं अनुदिश्यते किम् उद्देश्यं कथं चष्माभिः तस्य धेनं करणीयं अस्य पाठस्य धेनेन कुलाभवा भविष्यति इति तर्हि पश्यन्तु विश्वोत्पत्ति ज्ञानी दक्षा भविष्यति विश्वोत्पत्तो कारणत्व निरूपयितुं निपुणः भविष्यति एवमेव एवा आधुनिक विज्ञाने विश्वोत्पत्ति रहस्योद्घाटने पटु भविष्यति तथाच निहारिकाणां उत्पत्ति ज्ञाने कुशला भविष्यति एवं ब्रह्माण्ड रहस्य उद्घाटने अपि कुशलो भविष्यति अर्थात अस्य ब्र, अस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये काद कानि कानि च तत्त्वानि सन्ति निहारिकाणां उत्पत्ति कथम भवति विश्वस्य उत्पत्तिश्च कथम भवति एतादृशाः बहवः विषयाः अत्र विचारणीयः सन्ति जैसा मध्येन अध्यापनम् अस्मिन् पाठे अस्माभिः

एसाम उत्पत्ति विषय भी सिद्धांत प्रस्तुत यथा पश्यंतु संक्षेप संक्षेपेण मैं तत्र पश्यंतु अस्य तावत पाठस्य वृत्तचित्र कीदृश वर्तते है कथम चे के प्रमुखे रूपेण अत्र निबद्धा सी जोपरी परिचर्चा अस्म क्रीय से वृत्तचित्र निर्माण से एक उद्देश्य वृत्तचित्र कि तावत सारांशिका रूपेण तावत सिनोप्सिस इति आंग्ल भाषायाम इति उच्यते यथा सिनोप्सिस इत्यस्य ज्ञानात् सम्पूर्णस्यापि विषयस्य अवतरणिका ज्ञानम् तद्गत ग्रंथस्य सर्वापि विषया समेषां विषयाणां ज्ञानं भवति तथैव वृत्तचित्र माध्यमेन लेखकस्य तावत् अभिमतं अत्र ज्ञातुं शक्यते तत्र पश्यन्तु विश्वोत्पत्तौ के के विषया प्रमुख सी जिसमें चर्चा भविष्य निहारि उत्पत्ति नक्षत्रकोपत्तिपत्तिमेव नक्षत्रोत्पत्ति पिंडोत्पत्ति ब्रह्मांडोत्पत्ति प्रमुखूपेण विचार विचारणी वर्त है अर्थ उत्पत्ति प्रसंगे सर्विल संस्था उत्पत्ति भवति। तत्र जिन्स महोदय गणित प्धत्या निहारिकाण उत्पत्ति विषये सिद्धांत आविष्क तमते अभिमते आरंभे महाकाशे अतिरहा वाष्पकणा आसन् कदाचि तेज प्रतिघन सेंटीमीटरे दस प्रतिशत शून्य ग्राम भाग तुल्या पिंड मात्रा आसीत सन ही सन ही पिंड मात्रा या घनी भवन से प्रक्रिया अजात पिंड से पिंड मात्रायाम पिंडांतरा गतिर्जाता यथा यथा, यथा च पिंड संकुचितो अभवत तथा तथा तस्क्ष भ्रमण वेगो अवर्धत यत आवेग धोरणस्थिरा सदैव स्थिर वर्तते गुरुतरभारकाणी तत्वानी पिंडस केंद्रसमिपवर्ती भागे समिलता अभमन एमेव यथ पश्यू एकु एं स्ूपं पृथक् पृथक दृश्यते कीद सांगते लघुतर लघुतरभकाणी तत्वानी परिवेष्टन रूप वायुमंडलाम अभवत एवं एवं अक्ष भ्रमण अति अक्ष भ्रमण वेगातिरेका पिंडस्यागारो वृताकार तथो दीर्घ वृताकार अभवत अत्याकाश गंगा संस्थान विकास एवं भवत् तत्र अत्युन्नत चक्राकार पिंडस्य कालीन मुख्याक्ष दूरतम भागो तावक विभाज्येतां अत्र यद महत्वपूर्णं वर्तते द्वितीयं तद् वर्तते नक्षत्र स्तवका नामुत पक्तिः अस्मिन् प्रसंघे यदि विचार्यते एते बहुति अत्यधिक घनीभूत सर्पिल संस्थानानां द्रव्यं स्थाने स्थाने ग्रंथि रूपेण प्रतिष्ठितति यदि दृशस्य ग्रद्रव्य ग्रंथे समीपम् बहुनि नक्षत्रानि सन्ति तर्हि परस्पराकर्षणेण नक्षत्र स्तवकानां नक्षत्राणि केंद्रस्य समीपे निबीड़तया तावत् तिष्ठन्ति कुल स्तवकस्य जन्म तदैव भवति यद ग्रंथे समीपम् बहुन्य नक्षत्राणि सन्ति तत्र क्रांति वर्ति नक्षत्राणि तावत् विरलानि भवन्ति आ अवद्ध नक्षत्र स्तवकस्य तदैव जन्म भवति अबद्धनक्षत्रस्तवकस्य नक्षत्राणि शनैः शनैः श्लथबन्धनानि भूत्वा नक्षत्रकुलं सृजन्ति इदानीं नक्षत्राणाम् उत्पत्तिविषये यदि अस्माभिः अध्ययनं क्रियते मित्राणि तर्हि किं भवति नक्षत्राणि सर्विलसंस्थानस्य भङ्गाज्जायन्ते द्विकानाम् उत्पत्तिः विषये अत्र प्रसिद्धाः सिद्धान्तः प्रारंभे डिस्थे तक आसीत् तदेव कालान्तरे भिन्नं भूत्वा द्वे नक्षे अभवत सर्विलस्थानवद्रापी घवनात्रेकेण सहाक्षभ्रमणवेगाव वृद्धिरभवत् पिण्डश्च क्रमशो दीर्घवृत्ताकारो अभवत् अंत तो यथा सर्पिल संस्थाने द्वौ भुजौ पृथक भूतौ तथैवास्य द्वौ भागौ अभवत चित्रे पश्यन्तु क्रमेण स्पष्टे क्रियते एकस्मिन् तावत् गोलात्मके द्वितीये किमपि परिवर्तितम् तृतीये अपि परिवर्तितम् यद् चतुर्थे किं भवति ततः एकः अन्यः तावत् रच्यते पञ्चमे स्थाने पृथक् भवति षष्ठे स्थाने पृथक् स्वरूपम् निर्मितो भवति पुरा सर्पिल संस्थान से भुजयोर अति सामीपवर्ती पिंड द्वयम आसीत संहति भंग से पश्चात दो पिंडो परस्पराकर्षण बद्ध दिग रूपेण तिषत तृतीय चित्रे कि किमें नक्षत्र प्रथम नक्षत्र सेवत्मीपम आगछत जद आकर्षण बद्ध अधुना प्रथमं परितो भ्रमति एवं विश्वत्पत्ति विषय विकास संभवे नहीं के सिद्धांत संति परंतु सर्व तावत सर्व मुह मात्र वर्तते पिंडा नाम प्रादुर्भाव पिंडांडा नाम प्रादुर्भाव कदा अभूत एन प्रकार न चोती विषय यदि अस्माभिः उच्यते चेत पश्यंतु जदा उष्णता विक्षेपशक्तिया धारणात्मक शक्ति तुलनाम अधिजगाम तदा पिंडंडा नाम उत्पत्तिर हेतुर अभवत् विच्छेप शक्तिराधिके पदार्थ इतस्ततो विछिप्टः पिण्डी भावो असक्तः किंतु विच्छेप शक्ति प्राबल्य हरासि प्रादात् पदार्थस्य जाकर्षण शक्तिस्तथा तदा निरंतर व्याप्नुवान वायु पदार्थ पिण्डी भावः प्राप्तनोत् उष्णताया सांद्रता ज्ञाने जामंतो वायुपिंड प्रादुर्भवन तद गणित जेन्स पंडित चकार चुरीश सहस्र कांति वर्ष मित व्यास तादृश पिंडांडा कलित इदमेव सांप्रतिक पिंडांड व्यास मनम प्रतिपिंडांडे च विंशति कोटि सूर्याण द्रव्यम भवती कलित इमे सर्वे प्यंका गणितागता दृक सिद्धांत भवंती तर्क से बल सूच्य अथ तादृशा वायु रूप पिंडांडा विक्षेप धारणात्मक शक्ति व्याम इतस्तो भ्रामीयंत क्रमेण अथ नक्षत्राणी जदा संकोचम प्राप्त संकोचे उष्णताधिक्यम सिद्धांते उष्णता जाज्वल्यमानानि संपद्यन्ते इति संप्य प्रसंगे अथ मूल पदार्थस मूलपरीस्थितलेम संता गोमोपंडीतेन तिस्थित महत उष्णता महती सांद्रता उदक सांद्रता तदा सांद्रता ज्ञायते यथा भौतिक पदार्थान संकर संसृष्टि च वर्तते तथा पदार्थान रासायनिक संगोच संगोच संयोग वर्तते तथा परमाणु नाम अवयवा जदा परमाणु उत्पादय तदा बीज जोगा भवंती भणा बीजा न्यूक्लियांश संख्यालीय पदस्य परमाणवीय अवयवा परिभाषा तेसाम जोगा भवंती त्यर्थ यथा रसायन जोगा कनिचित सूत्रई रेव भवती तथैव बीज जोगाश्च महोष्णतायाम आरंभ स्थितो त्रय एव मूल पदार्थ बभूव इति कथितम अस्ति तत्र किं भवति इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभ्याम यथा यथा न्यूट्रॉन मासुः आरंभ कालात् कतिचित कला सूक्ष्मता च छीयमाना प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स च संयोगान प्राप्यु तदा। हाइड्रोजन हेविड्रोजन हीलियम इत्यादि वायु नाम लोहा नाम चे मूलभूत परमाणु ते संपद्यत तदा निष्पन्ना नाम मूल पदार्थ नाम निष्पत्ति गणयत शक्य अत्रोपलभ्या लोहाना मध्ये यूरेनियम इत्यादि गरिष्ठ लोहा स्वयं विच्छिद्यमाना रेडियो एक्टिविटी नामिका शक्ति उत्पादयती इमा उपयुज्य संप्रति मानव में ताम मनवाणवास्त्रे तम शक्तिशक्तिमीत्र ग्रंथे भणाम अनयाेदाशक्तिया तेषु गरिष्ठ लोहेशु जावता कालीनते सृष्टि अर्थ जीवित काल गणित सांप्रतमभ्या लोहां प्रमाण जान सृष्टि कालम आरभ्य जानती वर्षा व्यतीता शास्त्रा इति अवोचु अयमेव कालो गेमो पंडितेना दत्ता अथ इलेम नामके मूल पदार्थे उष्णता महावेगन क्षीय परमाणु उत्पत्तिर अर्ध होरा काला प्रागे बभुवेति विज्ञायते वीज जोगाश्चो तावन मिते काल एव संपूर्णा भूत्वा जावत परमाणु जालम उत्पाद्यामासुः मासुहु पंच सहस्त्र कोटि वर्षेभ्य प्राग घटी काले परमाणु सृष्टि अभवदिति वाक्यम कलात्मकः तस्माद् औष्ण्यच्छियमारे तावन मित काले नैव जावंत जोगा बभो हो इति अवबुध्यते यथा नेमाडा इत्यत्र स्थले कश्चित वर्षे प्राग आणवास्त्र भेदे अद्यापि तत्र महद औष्ण्यम शिष्ट पदार्थ बमन्ति अस्त्र भेद काले विकलायाम किंचे दपतीति तावत चावतीत गोमो पंडितेन तावत् सहस्त्र सहस्त्रांश कोपि नाभवत तथैव जा अस्त्रभेद कालस्य अतीतकालस्य किञ्चि दपीति चावातीत गोमो पण्डितेन तावत् संप्रति कर्मसाला स्वाल शक्त्या महत्युष्ण संपद्यते तथा चाणवाय वायवानां बीजानां मध्ये जीजी संजोगा जाद्रिशोष्णता परिस्थितो भवन्ति तत् सर्वं विदित्वा पूर्वोक्त रीतिया सृष्टि कथाम् आनन्द पंडितः सृष्टि समये हाइड्रोजन हीलियम वायु तुल्य भागौ सतेसु नवनवति भागौ भवत् इति शिष्ट एको भाग एव जावद अन्य पदार्थनां समाहार इति सिद्धांत रित्य जद्गणितं तावन्त एव पदार्थः संप्रति उपलब्धं इति सिद्धांतं दृणि करोति अत्र कदाचि देव प्रतिपत्ति रीति वर्णितम गेमो पण्डितेन हाइड्रोजन हीलियम वायु यथा उत्पद्यता ताभ्याम पुनः कथम भू संयोगे न गरी आंसो लोहा संभव विचिकित्सायाम ही हीलियम वायु परतो तो गरियान लिथियम नामको लोहा हीलियम बीज द्रव्य से न्यूट्रॉन द्वयस जोगे न तादृश जोगा तदा निंतन संभव इव दृश्यति इति अथवा हेवी हेड प्रोजन वायु बीज द्रव्य अपि न्यूट्रॉन योगो भवितुं मरहति किन्तु तादृशोपि योगाः साम प्रतीक लोह प्रमाण उत्पादयितुं न परहवतिति अथवा पुनर गुरु लोहा सर्वेपि नक्षत्रान्तरभागे सूर्य कदावापि काले उत्पद्यंत इति सो अब्रवीत यम् एकैव समस्या यदि परिस्कर्ता विश्वस्य पूर्वोक्त व्याप्ति सिद्धांततः सत्य इत्तेवम अंगीकृत्यते दारहेण उक्तम शक्यते यथा कश्चित् धूमकेतु अनंत दूरादा पर परवलय रेखाया रवि समीपम समागत्य पुनर अंत दूरं जास्यति इति तद्वद व्याप्ति व्यातिपारम्यम गि तत्सहस्रकोटिवर्षेभ्य प्राक्शिथिली अभवत व्याकोचपरम संकोचपरम प्राप्य पुनः अनंत व्याकोचा बरी बृध्यत सिद्धांत तात्पर्य जन्याय पंचसहसोटिवर्षमित सृष्टि कालि उच्य तत्कालात् पूर्वे कीदृशं विश्वम् इत्याशङ्कायां केचित् पण्डितः तदानीन्तनं विश्वं नैतादृशं भवितुम् अर्हति इति सिद्धान्तयाम् आसुः इदानीं ब्रह्माण्डस्वरूपवर्णनं तावत् स्कन्धः अत्र किं भवति वस्तुतः अत्रानन्तबिरजस्य श्रीमहाविभूतेर् अनन्तकोटिसूर्यप्रकाशसमेतस्य श्री मदादि नारायण से श्री महाविष्णु निज माया कल्पितांत कोटि ब्रह्मांडाता नाम एक तमे इत्यारभ्य देश काल निर्वचनम अकारि भारतीय सर्वे सामपि वैदिक कर्म नाम महासंकल्प इति नामना अनंते देशगर्भी गर्भे कालगर्भी काल गर्भे कुत्रत्या वयम कथम संजाता कीदशी दृश्यम सेकृतिर इदाद समस्या जिज्ञासा जायते सर्वेशमी हृदय यदा कदावा वयसी एकिज्ञापरिस्कार संप्रवृत्ता शास्त्र तत्र ज्योतिर्ज विशिष्टम स्थान अलंक भणित ज्योतिषोपनिषदी यथा शीखा मयूराण नागा मणयो यथा तदवद वेदांग शास्त्रणां ज्योतिषं मुर्दनिस्थितं इति शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतहस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्युक्तमत्स्मात् इति भास्कराचार्यह वेदांगग्रं वेदांगं अग्रं इति सूर्यसिद्धांतस्य तदेव अनुपदति यथा इदानीं सर्वव्यापकत्वात् श्री महाविष्णो तस् ऐश्वर्य भूता नाम ज्योतिर्गोला नाम स्थिति गत्यादि विचारणा परमेश्वर स्मरण मेवीति तथा संभावितम ज्योतिष शास्त्र ही तथा तिष्ठ तो प्रकृत अनुसरा सांप्रतिक दूरदर्शिकादि यंत्र सामग्री बलें यद विज्ञान संपादित तदत्र प्रथमतो तो विराच विरचयाम विल्सन पर्वते प्रांग निर्मित सतांगुल व्यासक दूरदर्शक दर्शकी संप्रति सम्प्रति पील मोर पर्वती जद बहु व्याय प्रयासा भ्याम बहुना कालीन नच निर्मितम तस्य दीसत दीसती मितांगुल व्यास दूर दर्शकस्य सहायी नजा खगोलीय विषया संप्रति आविष्ट करता दीस कोटि कांतिक वर्ष पर्यंतम आकाश आगमे दूर दर्शक सहायेन दृष्टम भवति प्रभवति शब्द प्रयोगेनैव नतद प्रमाणं बुद्धिगोचरं भवति अतः किञ्चित व्याख्यास्याम कांति वर्षेनाम कांत्री प्रतिविकलम बीलम मील वेगेना गच्छन्ति इति तौत् प्रमाणं इतस्य लिखितं वर्तते अत्र किद्रिष्यम मैलि मिलम मैलि भवति तच्च प्रमाणम कथम मागच्छति अंकान प्रसार्य मैलि मितम इत्यस्य ताद्रिशानी कांति वर्षानी किद्रिशानी भवन्तीति भवताम समक्षमतावत अंक माध्यमेन दृष्यन्ति दृष्टुम् दूर गतस्च वस्तु निबहम् नेत्रेन्द्रियम् दूर वलमिती सोको निरस्तो भवति किम तेना दूरदर्शन नेति प्रश्न समाधीयते कदाचित विपुला च पृथ्वी कबयो गायंती स्म पंच विंशति मैली सहस्त्र मित या भूमि ही सा पाद भूमिस्थस्य मानवस्य यद्यपि महत्तीव तथापि सा बहुनाम रविम परितो भ्राम्यताम ग्रहाणाम मध्य एकैव एक अनुभूय तत्र त्रयोदश शतमिता बृहस्पति गोले सुखम निक्षिप्यंते सो अपि एको रविर्विधेयो भवन तम प्रदक्षिणी कुरुते तादृशो भवना दित्यो जादृशो भवेदिति जिज्ञासमानः खगोल शास्त्र कर्तारो बहु यंत्र सामग्री निर्ममिरे तेन च यंत्र बलेन बहु विषयः संप्रत्याविष्कृताः सूर्यस्य गोलीय व्यास हम तावत सप्त षड चतु शून्य 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 मैलिमित छस्माक नव त्रि शून्य 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 मैलिमित दूरे वर्तते एवं प्लूटो नाम को ग्रहो एक मैलिम मिट दूरे भी स्थिति वर्तते तमी तरसा कर्सत्यदीन तावत पर्यतम तस् शक्तिर्न व्यापनोतीवगम्यता तस्य गोलगर्भे चतुष कोटि मित्रभागात्मक ऑस्ट्रियम भवती तेवने तेजस्या तेजो मनसु दूरम तस्य ज्वाला अंतरिक्षे कालाग्नि जिहुआ ईवः मैली प्रयंतम्मपि व्यापनुआन यंत्रिना वेदहीतः गोलगर्भे प्रतिष्ठनम् उत्पद्यमाना महा सक्तिर् बहिर् गमने लब्ध्वा कासमीवः महासब्धम् कुरुवती परलय गोल गर्भे महाग्निना विद्यमानः परमाणु नाम अयवः प्रतिविकलं 37 मैली वेगिन धावन्ते इति गण्यति एवम् जा ज्वलमानो जो गोलः तद वरिष्ठ गर्भे ध्यान मात्रेण एव काचीन महती शक्तिर यथा तादृग वग्रह गोलान् बिनर्मिताः इत्यस्माकं प्रचोदयात इति गायन्त्र मन्त्रार्थः एवं एवंविधो रविरेकं नक्षत्रं तादृशानि नक्षत्राणि दशसहस्रकोटिमितान्यस्माकं वेदगङ्गानामके पिण्डाण्डे वर्तन्ते इत्यवगम्यते तादृशाः पिण्डाण्डाः पुनर्दशसहस्रकोटिमिता ब्रह्माण्डे वर्तन्ते इति साम्प्रतिकदूरदर्शनयन्त्रसामग्री निर्यणयसीत् अहो भगवद्विभूतिः जैना केन प्रकारेण एतस्य तावत् विश्वस्य समग्रस्यापि उत्पत्ति विषय इदम् महत्वपूर्ण अतीव रमणीय चावत् ससर्ज स्वरूपमिति मित्राणि इदानीम् अस्य तावत् पाठस्य अस्य सारांशिका विचार्यते चेत् पश्यन्तु विश्वोत्पत्तौ बहवः सिद्धान्ता अत्रोपपादिताः सन्ति जिन्स् महोदयस्य सिद्धान्तानुसारेण निहारिकोत्पत्ति सिद्धांत अभी वर्णित वर्त है नक्षत्राण उत्पत्ति विषय समग्र विषय अत्र क्रमश प्रवर्ति वर्त है एवमेव पिंडा प्रादुर्भाव विषय गो, गोमो महोदय से सिद्धांत वर्णित सी ब्रह्मांडातागत विविध विषयाण उत्पत्ति विषय सविस्तरेण अत्र विवेचिता सी अतः सृष्ट तावत विश्वपत्ति विषयकम् समग्रम अपिज्ञानम् का कर्तुम अस्य पाठस्य अध्ययनं अवश्यमेव करणीयम् सर्वे सामक्रते लाभाय प्रवर्तते अयम् विषयः पाठश्च अतः त्रैव मया बिरम्यते जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम्